हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सर। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 9, कंटिन्यूएशन ऑफ थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। सो व्हाट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी? इट्स वेरी सिंपल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता है कि जब भी आप ना लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू दिस ट्रेन, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी ट्रेन स्टेशनरी होती है, स्टेशन पे रुकी होती है, सिंस आपने काफी टाइम से ट्रेवल कर रहे होते हो, तो आपका माइंड थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है काफी चीजों को लेकर। तो क्या होता है, जब भी आप ना स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे होते हो, सडनली आपको ऐसा रियलाइज होता है कि ना आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी है। बट जब आप ना थोड़ा सा और आगे बढ़ के प्लेटफॉर्म को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो, देन यू रियलाइज कि नहीं, आपकी ट्रेन स्टेशनरी है, एक्चुअली जो सामने वाली ट्रेन है वो चल रही है। तो वो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन द सेंस, जब ना ऑब्जर्वर अपने से रिलेट करके किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी। या फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करो कि आप ट्रेवल कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग अ पर्सन हु इज आउटसाइड, ठीक है, जैसे आप कार में हो या आप बस में हो, सो यू आर फाइंडिंग अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। यू आर फाइंडिंग अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इसको दूसरे फ्रेम में लेके जाता है। क्या होता है कि अगर मैं किसी बंदे को देख रहा हूं हु इज स्टेशनरी, प्रैक्टिकली हु इज स्टेशनरी, बट जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं इन माय व्हीकल, वो बंदा मुझे एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो होता क्या है कि उसकी वेलोसिटी अभी अगेन रिलेटिव वेलोसिटी है। अब कभी कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो अगर दो ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी साउंड बहुत ज्यादा होती है एंड यू फाइंड आउट द अदर ट्रेन इज गोइंग फास्टर। बट एट द सेम टाइम आपके साइड में अगर कोई दूसरी ट्रेन जा रही है विच इज इन द सेम डायरेक्शन, यू फाइंड आउट दैट ट्रेन इज गोइंग वेरी स्लोली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो है रिलेटिव वेलोसिटी, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर क्या देखता है कि वो अपने वेलोसिटी को प्लस या माइनस करके ही दूसरी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, देखो बहुत सारी ना मूवीज वगैरह में भी ऐसे कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ना अभी कोई बंदा है कि ट्रेन के अंदर एंट्री लेना चाहता है, और फिर क्या होता है कि जो बंदा ट्रेन के बाहर है ना इज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, पर ट्रेन का स्पीड फास्ट है, तो क्या होता है ट्रेन इज गोइंग फास्टर और ये बंदा बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है इन कंपेयर टू। तो क्या होता है कि जो बंदा ट्रेन के अंदर है ना, जब वो उस दूसरे बंदे को देखेगा जो जमीन पे चल रहा है, मतलब वो इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, तो ट्रेन वाले बंदे को ऐसा लगता है कि जो बंदा ग्राउंड पे रन कर रहा है वो उसकी तरफ नहीं आ रहा, उसे दूर जा रहा है। बट प्रैक्टिकली यू विल सी ना दैट पर्सन इज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन, वो ट्रेन की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन क्या ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है उसको फील हो रहा है कि जो ग्राउंड पे है बंदा वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। बट दैट्स नॉट ट्रू, वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा, वो रिलेटिवली पीछे जा रहा है। और एट द सेम टाइम जो बंदा ना ग्राउंड पर रन करके ट्रेन की तरफ जा रहा है, वो एक्चुअल में जा रहा है ट्रेन की तरफ, बट उसको ऐसा फील होता है कि ट्रेन इज गोइंग अहेड, सेम डायरेक्शन में वो किसी स्पीड से आगे की तरफ जा रही है। तो यही पर्टिकुलर पार्ट है जो हमें इमेजिन करना है यहां पे। तो आर इमेजिनेशन शुड बी वेरी गुड, हम जितना ज्यादा इमेजिन कर पाएंगे उतना बेटर वे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। So, अब यहां पे एक टर्म है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब इसमें ना दो चीजें हमें समझनी है कि अगर ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बोल रहा हूं, तो यहां पे जो ए है ना ये होता है ऑब्जेक्ट, ए विल बी द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द बी, बी विल बी द ऑब्जर्वर, समझ में आ रहा है। तो जो है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मतलब हम ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्वर है, अकॉर्डिंग टू बी ए का वेलोसिटी क्या होगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन भी बनता है, जो होता था वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी इज फॉर्मूला, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, वाइस वर्सा इन द सेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा वीबी ए इक्वल टू वीबी माइनस वी ए, तो आपको इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी को अज्यूम करना है। तो अब क्या होता है कि सपोज है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि आप इमेजिन करो कि ना कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बी इज ए इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट बी इज आल्सो गोइंग ऑन राइट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट ए का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्जेक्ट बी का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब इनके बीच का सेपरेशन मान लो कि एक्स है, क्लियर। तो ये क्या होता है ना, कभी भी अगर ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा, सेपरेशन विल नॉट चेंज टिल द टाइम दे हैव सेम वेलोसिटी। तो मान लो क्वेश्चन हो गया ना, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अगर ए को बी ऑब्जर्व करेगा ना, कैसे बी ऑब्जर्व करेगा, मान लो बी इज गोइंग एट और बी को ऑब्जर्व कर रहा है पीछे चलते हुए देख रहा है,
तो उसके हिसाब से क्या होगा, तो जब भी ना ए को बी ऑब्जर्व करेगा तो ये है ऑब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जर्वर। व्हेन ए इज ऑब्जर्व बाय बी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एज पर वी अंडरस्टैंड बोथ आर गोइंग द सेम डायरेक्शन, तो दोनों क्या होंगे मतलब सेम होगा ना, प्लस 10 प्लस 10 बट बीच में माइनस साइन है, तो फाइनली वैल्यू क्या होगा जीरो, जीरो मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू बी ऑब्जेक्ट ए इज वॉट स्टेशनरी, मतलब वो सेम डिस्टेंस मेंटेन है ना, जब तक उसको डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस नहीं दिखेगा, टिल द टाइम द डिस्टेंस इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, उसके हिसाब से कोई भी वेलोसिटी गेन नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, उसको लगेगा कि वो बंदा तो वहीं पे दिख रहा है तो कोई फर्क नहीं। बात समझ में आ रही है? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से विल अंडरस्टैंड कि क्राइटेरिया क्या है। क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है ना कि मेन आपको ना अजम्पशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब यू नीड टू अज्यूम और यू नीड टू इमेजिन वेरी स्ट्रांगली। कभी कभी क्या होता है कि आप ना समझ रहे हो अलग है और जो आप ऑप्टेन कर रहे हो अलग है, तो आपको ऐसा फील हो सकता है ना, मतलब आपके समझने के हिसाब से आपके जो आंसर ऑप्टेन है वो मैच होने चाहिए। सो क्वेश्चन में क्या दिया, अ कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी, मतलब दो कार है, एक कार ए है, कार ए ना एहेड है कार बी के, ए है इज मूविंग एहेड ऑफ कार बी, आपको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं लग रहा बट यू अज्यूम कि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। सो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, अ कार ए मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो कार ए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो वी ए का वैल्यू का 10 मीटर पर सेकेंड। सो राइट साइड में मैंने पॉजिटिव ले लिया, अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एहेड ऑफ कार बी, सो कार ए एहेड है कार बी के, दैट इज सीन मूविंग द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकेंड, वो कार बी के एहेड है और कार बी कौन से स्पीड से मूव कर रहा है, कार बी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है एज पर क्वेश्चन। फिर क्या दिया इन्होंने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्या करना है, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, वी बी का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, सो आप बताओगे ना कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए इज ऑब्जर्व बाय बी, सो आप बताओगे व्हेन व्हेन ऑब्जर्वर ऑफ कार बी ऑब्जर्व्स, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व्स कार ए, ठीक है, तो क्या होता है ऑब्जर्वर को क्या मिलता है, ही फाइंड्स कार ए मूविंग विद द स्पीड, ही फाइंड्स कार ए मूविंग विद स्पीड, कौन से स्पीड से, मूविंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बट कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो मतलब सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट। अब क्वेश्चन में इन्होंने और दिया एक ऑप्शन, क्या बोल रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा इन द सेंस ये पूरी वैल्यू को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी को ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, यहां पर वी बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी का वैल्यू कितना है 6 है, वी ए का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये कितना माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कैसे लिखोगे आप, अब कौन सा ऑब्जेक्ट है, बी इज ऑब्जेक्ट एंड हु इज ऑब्जर्वर, ए इज ऑब्जर्वर, तो व्हाट विल बी आंसर, व्हेन द ऑब्जर्वर ऑफ कार ए, करेक्ट ना, व्हेन द ऑब्जर्वर ऑफ कार ए ऑब्जर्व द कार बी, ही फाइंड्स कार बी मूविंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, वो तो वही रहेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ माइनस साइन। मैं स्टेटमेंट फिर से रीड कर देता हूं एंड यू कैन राइट इफ यू वॉन्ट कंपेरेटिवली, सो व्हेन ऑब्जर्वर ऑफ कार ए, व्हेन द ऑब्जर्वर ऑफ कार ए ऑब्जर्व कार बी, जब ऑब्जर्वर कार ए का कार बी को ऑब्जर्व करता है तो ही फाइंड्स कार ए का ऑब्जर्वर फाइंड्स कार बी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस, अब समझो ना कार ए में जो ड्राइव कर रहा है वो पीछे मुड़ के देख रहा है, तो उसका खुद का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, पीछे का स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट यू फाइंड, उसको ऐसा लग रहा है कि कार ना पीछे की तरफ जा रही है, अंडरस्टूड। और जो कार बी का ऑब्जर्वर है, जब वो ए को ऑब्जर्व है, इज फाइंडिंग कार ए बहुत 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे की तरफ निकल रहा है, अंडरस्टूड। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, बाकी तो ये जो है माइनस है तो आपको बता देना ऑपोजिट मोशन है, प्लस है तो आपको बता देना सेम डायरेक्शन में मोशन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा. लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया है. टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ. ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. मतलब ना आप अगर नॉर्थ साउथ अगर कभी ऐसा हो जाता है ना तो देखो साइन कन्वेंशन अगर डायरेक्शन का लेना हमें तो ये नॉर्थ इधर लेना साउथ इधर, ये ईस्ट होगा ये वेस्ट होगा. कभी अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो हम क्या कर लेते हैं ये साइड हमने ले लिया नॉर्थ ठीक है और फिर उसके बाद ये डायरेक्शन ले लिया हमने साउथ ठीक है. सो अब ये बोल रहे हैं टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ मतलब एक जो है जिसपे ट्रेन रन कर सकती है एक ये है उसके बगल में भी एक दूसरा ट्रैक है तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ये दोनों ट्रैक है. बट एक ट्रैक पे क्या होता है ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ. सो जो ट्रैक ए पे है ट्रेन वो क्या है नॉर्थ की तरफ जा रहा है बराबर. तो वो उसका स्पीड क्या होगा हमने लिया वी ए वैल्यू कितना दिया 54 किलोमीटर पर आवर दिया ठीक है. तो अब अगर इसको मीटर पर सेकंड में नहीं भी कन्वर्ट करो तो भी चलेगा बट वी आर कन्वर्टिंग राइट आउट जस्ट की इन केस जरूरत हो तो ठीक है. 5/18 तो 18 त्रिज्या हो गया है तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड ठीक है. तो मीटर पर सेकंड में समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है. अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं. ट्रेन बी इज मूविंग साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. जो ट्रेन बी है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना है 90 किलोमीटर पर आवर ठीक है. अब आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना है तो हमने इमेजिन कर लिया चलो ठीक है हम ना साउथ वाले को नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि एक तो लेना पड़ेगा ना बिकॉज बोथ द डायरेक्शन कैन नॉट बी दिस पॉजिटिव. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से वन विल बी पॉजिटिव एंड वन विल बी नेगेटिव. तो अगर मैंने इसके लिए कंसिडर किया तो होगा -90 × 5/18 ठीक है. तो ये कंसिडर हुआ कितना वैल्यू हो गया -25 मीटर पर सेकेंड हो गया ये ठीक है. तो -25 मीटर पर सेकेंड वी गॉट. अब क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से आ जाते हैं हम. क्वेश्चन में दिया गिवन कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको निकालना है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो यहां पे देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्वेश्चन मार्क है. मतलब ना ट्रेन बी को जो ए में बैठा हो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब जो ए में बंदा बैठा हो बी वाले को ऑब्जर्व कर रहा है बी ट्रेन को. तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए. बी का वेलोसिटी क्या है बी का वेलोसिटी -25 और ए का वेलोसिटी क्या है 15 है +15 है ना. तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -40 हो गया -40 मीटर पर सेकेंड करेक्ट. किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो कर लो अदर वाइज नो नीड. हम मीटर पर सेकेंड में ले लेते चीजों को क्योंकि हमारे लिए फिलहाल तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. फिर क्या दिया इन्होंने अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो अब ये क्या होता है हाउ विल यू राइट द आंसर. तो अब देखो सिंपल सी बात है ना ये ट्रेन जा रहा है साउथ में साउथ का डायरेक्शन नेगेटिव है तो ये ट्रेन में जो ऑब्जर्वर बैठा है व्हेन ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व द ट्रेन बी उसको तो लगेगा ना ट्रेन बी इज गोइंग विद द इन द साउथ डायरेक्शन ओनली. अभी ए जा रहा है नॉर्थ में और बी वाले को ऑब्जर्व कर रहा है तो बी विल बी अपीयरिंग लाइक अगर वो स्टेशनरी होता तो भी उसको लगता है कि वो साउथ में जा रहा है. ये तो मोशन में और ये भी मोशन में तो दोनों का स्पीड एडअप हो गया एक हिसाब से देखो तो ये कौन से स्पीड से जाता हुआ दिखेगा ए के हिसाब से तो बी इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. तो आप लिखोगे ना विन द ऑब्जर्वर ऑफ ट्रेन ए ना मैं यहां पे मार्कर चेंज कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा आसानी हो गया हमारे लिए. व्हेन द ऑब्जर्वर ऑफ ट्रेन ए ऑब्जर्व्स ट्रेन बी है ना ट्रेन ए का ऑब्जर्वर ट्रेन बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या होता है ही फाइंड्स ट्रेन बी मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड इन ये सेम या ऑपोजिट या ये तो आप लिख सकते हो साउथ डायरेक्शन ठीक है. दिस इज अ स्टेटमेंट. अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी. अब समझो ना ये वाला है ना ये बहुत ही ना एकदम जब वेले टाइप का सिचुएशन हो गया कि व्हेन यू डोंट हैव एनी जॉब. अब ट्रेन में बैठे हो बहुत लॉन्ग जर्नी है अब आप क्या करते हो विंडो के आप ऐसे सर को टिका के आप ऐसे नीचे देख रहे हो व्हाट इज हैपनिंग इन द डायरेक्शन योर ट्रेन इज गोइंग ग्राउंड विल गो एक्जेक्टली अपोजिट टू दैट. तो अब क्या होता है बी ट्रेन का बंदा ना ये टाइम पास कर रहा है तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी. अच्छा ग्राउंड का वेलोसिटी कभी भी ना जीरो होगा ठीक है. तो ग्राउंड कभी मूव नहीं करता प्रैक्टिकली तो ये जीरो हो गया माइनस
और ट्रेन बी का वेलोसिटी क्या -25 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जब ना ऑब्जर्वर ट्रेन बी का है ना, यहां पे होगा ऐसे ना विद ऑब्जर्वर ऑफ ट्रेन बी ऑब्जर्व ग्राउंड, जब भी ऑब्जर्वर ऑफ ट्रेन बी ऑब्जर्व द ग्राउंड ही फाइंड ग्राउंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ, कौन सी स्पीड से ग्राउंड जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड इन दिस, ये पॉजिटिव है ना इन दिस नॉर्थ डायरेक्शन, तो अभी ट्रेन बी का बंदा जब ग्राउंड को ऑब्जर्व करता है तो ट्रेन बी इज गोइंग साउथ, तो उसके हिसाब से ग्राउंड विल मूव इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, तो कोई इशू नहीं उस केस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉजिकल है ना, ये पॉइंट में ही आपको एक्चुअल में मजा आएगा, हो सकता है कि अगर समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, बट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए, एक मंकी है जो ना ट्रेन ए के रूफ पे रन कर रहा है ना, स्टंट सीन है पूरा एकदम, हाँ, अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो एक मंकी है ना, देखो अभी ट्रेन इधर जा रहा है इसके ऊपर एक मंकी रन कर रहा है, ठीक है, ये आप ले लो, देखो एक मंकी है, मंकी इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो मंकी इस डायरेक्शन में रन कर रहा है अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन ए, फिर क्या बोल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड पॉइंट डेटा में क्या दिया है, ये बोल रहे हैं एक मंकी दौड़ रहा है, अ मंकी इज रनिंग एट द रूफ ऑफ ट्रेन ए विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट इट्स मोशन ऑफ ए, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसके लिए क्या होगा माइनस साइन होगा। मैं फिर से स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मतलब ये बोल रहे हैं ना ये जो 18 किलोमीटर पर आ रहे हैं ये वेलोसिटी किसका है, मंकी का है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है, तो हमें वी एम ए का वैल्यू पता चला, गॉट इट। फिर क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं, एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन में फिर से देखो मैं रीड कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन अगेंस्ट ए हमें निकालना है, एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, बीच के स्टेप्स को मैं अगर हटा देता हूं, स्टेटमेंट फिर से देखो जो ब्रैकेट का स्टेप्स को हटा देता हूं, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी मंकी का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे स्टैंड हो मंकी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो लेकिन हमको क्या दिया है, ये बोल रहे हैं कि ब्रैकेट में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है माइनस जस्ट 18 किलोमीटर पर आवर, माइनस क्यों ले लिया है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो ये किलोमीटर पर आवर तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये माइनस 18 हो गया देन 5/18 कैंसिलेशन हुआ कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, सो वी गॉट वैल्यू फॉर व्हाट, हमको वैल्यू मिल गया है वी एम ए का, अब हम वी एम ए को सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी एम ए को सिंप्लीफाई करो इनकी जरूरत नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, वेन वी आर सिंप्लीफाइंग वी एम ए क्या मिला हमको, ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, मंकी का वेलोसिटी क्या है -5 हो गया है ना, अभी हमने सिंप्लीफाई किया ना -5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ मंकी हमें निकालना है बाद में, फिर तो ग्राउंड का भी निकालना पड़ेगा, माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए की वेलोसिटी है +15 है, ये हो गया, अब वेलोसिटी ऑफ मंकी आप यहीं पे ले दो, -15 को इधर लेके आ जाओ तो -5 +15, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट, ये मंकी की वेलोसिटी हो गई, बट क्वेश्चन में क्या है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो क्या होगा मंकी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ग्राउंड का 0 होता है, तो ये क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ना जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है ना, ऑब्जर्वर क्या है ग्राउंड पे, अब कोई बंदा यहां से देख रहा है मंकी का स्टंट बराबर, तो अब क्या होता है कि ट्रेन इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन लाइक दैट, और साउथ के डायरेक्शन में ये मंकी दौड़ के आ रहा है, तो प्रैक्टिकली तो मंकी आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, अगर आप वो हिसाब से देखो तो ऑब्जर्वर स्टैंडिंग वही है, तो ऑब्जर्वर इज फाइंडिंग मंकी इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, बट जब वो रिलेटिवली देखता है तो उसको क्या फील होता है कि मंकी की वेलोसिटी +10 है, +10 मतलब मंकी इज एक्चुअली गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब मंकी ना भाग के पूरा आ रहा है एकदम ट्रेन के ऊपर, एंड इज रनिंग 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 टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बट ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि मंकी का एफर्ट दिख नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि ट्रेन इज गोइंग दैट साइड, तो मंकी भी उसके साथ में पीछे चले जा रहा है,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको इमेजिन करने आना चाहिए। दिस क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। देखो अभी इसमें क्वेश्चन में ना, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। सो अब क्वेश्चन ये है कि आप ना देखो कैसे आपको बताना है जेट एयरप्लेन कैसे ट्रेवल कर रहा है, दैट इज योर चॉइस। आप चाहिए तो जैसे ना अभी हो सकता है ये राइट साइड में जा रहा है वैसे दिखा दो, यानी तो आपको दिखाना है कि जेट एयरप्लेन इज ट्रेवलिंग या ऐसे आपको डायरेक्शन में जा रहा है। चलो ठीक है, समझने के हिसाब से मैं ऐसा बता दे रहा हूँ कि आई एम जस्ट एक जस्ट अ डायग्राम ना समझने के हिसाब से, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम देना। ये है इसका कंबशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जेट प्लेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ, मतलब जेट प्लेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ, हो गया जेट प्लेन एंड व्हाट इज द वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जिसका ऑपोजिट जाएगा वो नेगेटिव होगा। इस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, ये इसका कंबशन है, ठीक है। सो कंबशन को क्या कर रहा है ये जेट प्लेन ना, इजेक्ट कर रहा है, कौन से स्पीड से इजेक्ट कर रहा है, 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट है कि जो कंबशन होता है ना नॉर्मल जेट प्लेन के डायरेक्शन के क्या होगा, ऑपोजिट होगा रिलेटिव टू द जेट प्लेन। क्वेश्चन फिर से मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान दो क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में पहले क्या बोला, अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग 500 किलोमीटर पर आवर, कोई इशू नहीं। इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, जो कंबशन का स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कंबशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, जिसकी वैल्यू है -1500 किलोमीटर पर आवर। यह एसआरडी क्वेश्चन है और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब कोई है बंदा जो ना जिसका बहुत डीपली ऑब्जर्वेशन हर चीजों में, वो बंदा यहां से चलो ठीक है यहां पे स्टैंड होके उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या बोले, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। लाइटर का मतलब क्या होगा, जो कंबशन है ना यही हो गया आपका लाइटर। सो ये लाइटर जो हो गया ये आपका कंबशन ही हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्वर के हिसाब से व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो आपको क्या करना, स्पीड वेलोसिटी ऑफ कंबशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का ऑब्जर्वर, बराबर। तो अब क्या हो गया, यहां पे आपको दिख रहा है ना ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो ये रिलेटिव के टर्म में दिया है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ कंबशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, -1500 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन आपको निकाला है, जेट प्लेन का क्या है 500 है, तो ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू ये क्या होगा -1500 हो गया, ठीक है। और ये 500 इधर आएगा तो +500 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में ना कंबशन का स्पीड कितना हो गया 1000 किलोमीटर पर आवर हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो स्पीड है 1500 किलोमीटर किसके हिसाब से, मान लो जेट प्लेन के अंदर कोई बैठा हुआ है एंड वो कंबशन को ऑब्जर्व कर रहा है। अब इतना तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं, बट फिर इमेजिन करो कि कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा जो कंबशन है ना वो कौन से स्पीड से जा रहा है, 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका खुद का स्पीड 500 है और ये कंबशन का स्पीड कितना 1000 है, दोनों ऐड हो जाता है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, कंबशन का स्पीड आपको निकालना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कंबशन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो कंबशन का स्पीड 1000 ही रहेगा, ग्राउंड का स्पीड तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से कंबशन इज गोइंग और कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो ये राइट साइड में आपने जेट प्लेन को लिया होता तो ऑब्जर्वर को लगता कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिहाइंड जा रहा है, कोई इशू नहीं है। अब जिस टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है यू कैन डू दैट, सो उसके लिए आप फ्री हो, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देख लो जरा, अगले क्वेश्चन में ना काफी लॉजिकली इन्होंने दिया हुआ है, ये वापस से रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ही है। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, मतलब दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है दूसरा ट्रेन बी है, ठीक है, और दोनों का लेंथ 400 मीटर है, ठीक है। जो ट्रेन ए का लेंथ है, तो लिखना है तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना होगा 400 मीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, दैट इज ऑल्सो 400 मीटर, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फिर क्या दिया है, मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स, दोनों एक ही ट्रैक पे, दोनों पैरेलल ट्रैक पे जा रहे हैं विद द स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो वेलोसिटी ए का है वो कितना है 72 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का भी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑल्सो 72
किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी, विथ ए अहेड ऑफ बी, अच्छा ठीक है, यहां पर मैंने उल्टा ले लिया है, तो जो है विथ ए अहेड ऑफ बी, जो ट्रेन ए है वो बी के क्या है आगे है, एंड बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस, आप ऐसा इमेजिन कर लो। फिर क्या दिया इन्होंने, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, है ना, अभी उसके दिमाग में खुरापात सूझ रहा है, अभी वो सोच रहा है ट्रेन को ओवरटेक करके आगे निकलना है, ठीक है। सो अब क्या हो गया, एंड एक्सेलरेट बाय 1 m/s² और ट्रेन बी है ना वो एक्सेलरेट करता है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन कितना होगा 1 m/s² कि एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट करेगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर 50 seconds द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब अब ये देखो क्या है ना, ये ट्रेन बी है, और अब यहां पे देख लो ऐसे ट्रेन बी है, ऐसे ले लिया हमने, अब ये ट्रेन बी जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, जो इसका गार्ड होगा ना बी का, ट्रेन का, बी ट्रेन का जो गार्ड होगा ना ये पीछे होगा ये जगह पे, और ड्राइवर यहां आगे होगा, ट्रेन ए का जो गार्ड होगा ये बिहाइंड होगा और ड्राइवर यहां पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ट्रेन बी का ना जो गार्ड है वो क्या करता है, ट्रेन ए के ड्राइवर को ब्रशेस पास्ट। सो ये पॉइंट जरा फिर से देख लो आप, इफ आफ्टर 50 seconds द गार्ड ऑफ बी, गार्ड ऑफ बी, बी ट्रेन का गार्ड जो बिहाइंड वाला जो पट्टा बंदा है लास्ट मूवी का एकदम, जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, जो ए का ड्राइवर है उसके यहां से पास होके जा रहा है, जस्ट व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मतलब ना उनके बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था। देखो अभी ओरिजिनल डिस्टेंस का मतलब क्या है ना, कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये यहां से एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है उनके बीच का डिस्टेंस, ये एस, ये निकालना है आपको। तो होता ऐसा है कि पहले मुझे देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, तो ए का होगा जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ना वो जीरो होगा, है किसके लिए, फॉर ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ट्रेन बी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए जो होगा बी का इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी जीरो, है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना, मतलब अभी जो ट्रेन ए आगे जा रहा है ट्रेन बी है उसको ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, मीन दे आर अपीयरिंग एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वैसा आप समझ लो कि जहां पे उसको दिख रहा है हर बार उसी जगह पे दिख रहा है। तो अब क्या हो गया, वो डिस्टेंस तो फिक्स है ना, तो जब ना ट्रेन बी मूव करके ट्रेन ए को क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो एस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बट कितना टाइम लगा है इनको उसको कंप्लीटली, ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने का लगा 50 seconds, तो अब यहां पे जो एस की वैल्यू होगी वो क्या होगा, यूटी होगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। अगर मान लो ये वैल्यू इतना सेम नहीं होती तो ये फॉर्मूले के अलावा भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता हमको, तब यू की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती रिलेटिव वेलोसिटी, बट अगर ऐसे रिलेटिव डिस्टेंस पूछा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यू का वैल्यू जीरो हो गया, टाइम की वैल्यू 50 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाफ हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 1 है एंड दिस इज व्हाट 50 × 50, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 2 इससे कैंसिल होगा 25, तो 25 का होगा 125, तो 1250 meters, तो मतलब जो ट्रेन ए था ट्रेन बी से 1250 meters अवे था, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब जाके इसका गार्ड है इसके ड्राइवर को क्या करेगा, टाटा बाय बाय करेगा। तो ये टॉपिक को थोड़ा सा और मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर कभी भी ना ट्रेन बी और ए के बीच में कोई भी सेपरेशन होगा दैट इज एस, बट अगर मान लो इनका वेलोसिटी सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी का सेम नहीं होता तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये 90 km/h होता, यहां पर 90 km/h, तो अब जो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालते हैं ना वीबी माइनस वी ए, अच्छा ये बी की वेलोसिटी समझो 90 km/h होता और ए की वेलोसिटी 72 km/h, तो हमने निकाला होता तो ये कितना होता फिर, 90 - 72 कितना जाता 18 km/h। अब 18 km/h को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मान लो कि ये होता है 18 × 5/18, ये कैंसिल के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 m/s, करेक्ट। तो अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक कंडीशन मैंने लिया ना, क्योंकि अब वो है सारे क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब डिस्टेंस वगैरह की वैल्यू भी चेंज होगी, तो अभी इस केस में जो यू की वैल्यू है ना, यू का वैल्यू विल नॉट बी जीरो, अब यू का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, टाइम का वैल्यू भी डिफरेंट होगा, बट मान लो कि अगर मान लो इस केस में उतना टाइम लगता रहा होता है ना, मतलब 50 सेकेंड्स लग रहा होता तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही रहेगी,
मतलब अब ना ये सर्टन वेलोसिटी से एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है ना. व्हेन दे वर हैविंग अ सेम वेलोसिटी दैट टाइम द रिलेटिव वेलोसिटी वाज जीरो, तो इट वाज अज्यूम कि ट्रेन बी इज स्टार्टिंग विद अ जीरो वेलोसिटी, बट नाउ ट्रेन बी इज नॉट स्टार्टिंग विद अ जीरो वेलोसिटी, ट्रेन बी इज स्टार्टिंग विद सर्टन वेलोसिटी, क्योंकि ऑलरेडी उनके वेलोसिटीज में कुछ डिफरेंस है. तो जिस मूवमेंट पे स्टार्ट किया तब से जो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसके हिसाब से करोगे तो ये होगा 5 फाइव, ये क्या होगा 25, तो ये होगा 250. अब इसको ऐड करते तो कितना होता है 0 हो गया, ये 0 हो गया 2 to 4 5, तो ये क्या होता 1500 मीटर के डिस्टेंस पे ये होते थे दोनों ट्रेन, अगर वो क्राइटेरिया होता. मान लो जैसे मैं आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो इतना फास्ट जा रहा है फिर भी ये इतना डिस्टेंस का सेपरेशन है, तो आपको समझना ये कि फास्ट जा रहा है फिर भी 50 सेकेंड ही लग रहा है, टाइम तो उतना ही है ना. जब फास्ट जा रहा है तो मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा, मतलब स्टार्टिंग में सेपरेशन ज्यादा रहा होगा, तो स्टार्टिंग में वो ट्रेन इतने सेपरेशन पे रहे होंगे. ओके अब हम आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, अगर वन ट्रेन इज ट्राइंग टू ओवरटेक अदर ट्रेन कंप्लीटली सो क्या क्राइटेरियाज होगा वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है ना, आप इमेजिन करो दो ट्रेन हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है. चलो ठीक है, ये आपका एक ट्रेन यहां पे हमने ले लिया, एक ट्रेन में ड्रॉ कर रहा हूं और एक ट्रेन में ये जो है स्केल है उसको ले लेता हूं. तो ये आप मान लो कि ये ट्रेन है, ठीक है. क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से भी ले लेंगे लोग. चलो ठीक है, मान लो ये 100 मीटर है, ठीक है. और ये जो ट्रेन अभी जो मैंने ये लिया है ये क्या है मोर देन 100 मीटर है, तो 120 इसको ले लिया हमने. अब क्या होता है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल टू ओवरटेक इट कंप्लीटली. कंप्लीटली ओवरटेक का मतलब क्या होगा, अगर मान लो यहां से स्टार्ट हुआ तो ये ओवरटेक करना स्टार्ट करता है, ये पूरा ऐसा स्लाइड होगा, ठीक है. और वो भी ट्रेन चली रही होगी ना बेसिकली, अभी उतना तो दिखाना मुश्किल है बट चलो ठीक है. अभी ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट जब ये यहाँ पे ऐसे जब पहुंचेंगे इस पोजिशन में तब ये कंप्लीटली क्या होगा ओवरटेक होगा. तो पहले हम स्टेशनरी के हिसाब से लेते हैं कि मान लो कि ये स्टेशन, क्योंकि जब आप रिलेटिव वेलोसिटी लेते हो तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी क्या होगा ना स्टेशनरी होगा और हम ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो मान लो इस ट्रेन का वेलोसिटी मैं इसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो ऐसा इमेजिन कर स्टेशनरी हो गया. अब ये ऐसा हो गया बराबर, इसका लेंथ 120 मीटर है. तो अब ये जब यहां तक पहुंचेगा तो कितना होगा ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन यहां पर पहुंचा तो 100. देखो अभी ये ट्रेन ने कंप्लीटली वहां तक पहुंचा नहीं, यहां तक अभी इस ट्रेन ने इस ट्रेन के लेंथ के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना. तो अगर लेना है तो ये ट्रेन ए हो गया, ये ट्रेन बी हो गया, तो अभी तक जो है उसने सिर्फ ट्रेन ए का लेंथ ट्रेवल किया. अब कंप्लीटली ओवरटेक करने के लिए क्या होगा, फिर क्या करेगा, फिर 10, 20 है ना 20. तो अब ये हो गया कि अब उसके बाद फिर क्या होगा, आगे और बढ़ रहा है 30, 40, 50, 60, 70. अब ये खुद का भी तो लेंथ कवर करेगा ना, इसके बाद उसका खुद का लेंथ कवर करेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. जैसे 120 होगा वैसे वो क्या करेगा कंप्लीटली ओवरटेक करेगा. तो अगर आप देखोगे तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये किसी भी फ्रेम में होगा, वेदर टू ट्रेन आर गोइंग द सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू ओवरटेक अनदर ट्रेन कंप्लीटली क्या होगा, सम ऑफ देयर लेंथ. ये क्या होगा, ये आपको लेना है लेंथ ऑफ ट्रेन वन या लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू, ठीक है. ये कंडीशन जो आपको पता होना चाहिए, वैसे आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो मैं समझने के हिसाब से बता रहा हूं. तो लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू विल बी व्हाट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. यहां पर टाइम अगर निकालना तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन वन एंड लेंथ ऑफ ट्रेन टू, उनको ऐड कर दो. रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करना है, समझो कि मान लो ना वी ए ग्रेटर देन वी बी है फॉर एग्जांपल, तो क्या कर लो रिलेटिव वेलोसिटी, तो ले लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, आपको वैल्यू ना पॉजिटिव में मिलेगा, कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी. तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने कि ये ट्रेन का ही मेंशन किया है, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन बट टोटल इनका सेम क्राइटेरिया. रिलेटिव वेलोसिटीज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इसी मेथड से, ठीक है. सो अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि अ ट्रेन, हाँ, टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दो ट्रेन है, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मैंने वो कर लिया यहां से, तो दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है जो दूसरी ट्रेन है वो क्या है बी है बराबर, और दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, क्लियर. और दोनों ट्रेन का लेंथ दिया इन्होंने, जो एक ट्रेन है उसको लेंथ ए ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस ट्रेन का लेंथ इज 120 मीटर, ठीक है. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, इस ट्रेन का लेंथ है 80 मीटर.
running in opposite directions with the velocity 42 km per hour and 30 km per hour. तो velocity जो train A का है वो है 42 km per hour है, ठीक है, और जो velocity B का, B train का है वो क्या है 30 km per hour है, बराबर. इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो ट्रेन ए का स्पीड 42 किलोमीटर पर आर वो राइट में जा रहा है, ट्रेन बी आप ले होगा तो उसके हिसाब से लेफ्ट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. अब आपको क्या लेना, रिलेटिव वेलोसिटी लेना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस हो गया वी बी हो गया. अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक चीज आप याद रखो, कभी भी दो अगर ना ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उनका वेलोसिटी एड ही हो जाता है, तो देखते हैं इसमें होता है या नहीं होता. तो वी ए का वैल्यू 42 है, माइनस क्या है माइनस ऑफ 30 है, ये टोटल वैल्यू कितना होगा 42 प्लस 30 कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर. हमने किलोमीटर पर आवर में लिया, उसको मीटर पर सेकंड में करके देखते हैं, तो वी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 इंटू 5 बाय 18, तो 18 फोर हो गया, तो कितना स्पीड होगा इसका, हो गया स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. अब यहां पर आ जाते हैं तो टाइम टेकिंग क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 120 मीटर, पहले ट्रेन का लेंथ है, सेकंड लेंथ का ट्रेन का लेंथ 80 मीटर, अपॉन कितना 20 हो गया, तो इट विल बी व्हाट 200 अपॉन 20, तो कैंसिलेशन का वैल्यू कितना होगा 10 सेकेंड, ठीक है. अब इसी क्वेश्चन में मैं ना दूसरा वाला भी कर लेता हूं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन. तो मान लो वी ए और वी बी दोनों सेम डायरेक्शन में होता, ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप नोटिस करो कि क्या करना है, तो आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता, वी ए पॉजिटिव होता वीबी भी पॉजिटिव होता, तो ये फॉर्मूला था वी ए माइनस वीबी, यहां पे क्या होता ये हटा देते हम लोग, तो क्या है 42 माइनस 30 कितना होता, ये हो जाता 12 किलोमीटर पर आवर. तो अब क्या होगा, ये 12 किलोमीटर पर आवर आप इसे कैंसिलेशन करते तो कितना होता 5/18 से, तो 6 3 जा एंड 6 2 जा, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 अपन क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा. तो अभी इस केस में क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, देख लेते हैं. जो टोटल लेंथ का कॉन्सेप्ट तो वही होगा, टोटल लेंथ का कॉन्सेप्ट होगा 120 प्लस 80 कैसे भी वो क्रॉस करे, पर टाइम कितना होगा 10/3 हो गया, तो 200 अपॉन 10/3 3 विल गो अप, अच्छा चलो ठीक है ये कैंसिल होगा, कितना होगा ये हिसाब से देखे तो ये हो गया 20/1/3, तो ये क्या होगा 3 विल गो अप एंड इट विल बी 60 सेकेंड्स. सो व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस केस, वो आप चीजें जरा डीपली देख लो, कि अगर ये दो ट्रेन ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे विल मूव वेरी फास्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, करेक्ट, बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, तो प्रीवियस जो पार्ट था उसमें 10 सेकेंड था ना, दे क्रॉस वेरी अर्ली टू ईच अदर, बट इसमें क्या होगा दे आर गोइंग सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो इट विल टेक टाइम टू क्रॉस, तो कितना टाइम लग गया 60 सेकेंड्स लग गया. सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटीज, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल, आपको जस्ट समझने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच.